दिखाइए। ये ताकत है यूपीआई की, अब आ गई है यूपीआई राजस्थान के अंदर। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने राजस्थान में पहली बार 30 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इन उम्मीदवारों में अधिकांश शिक्षित युवा है और वे अम्बेडकराइट राजनीति के माध्यम से राजस्थान में एपीआई की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंगलवार को इन उम्मीदवारों के समर्थन में जयपुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर पार्लियामेंट के अंतर्गत आने वाले सभी उम्मीदवारों ने लोगों के बीच अपने विचार रखे और नीतिगत राजनीति के लिए एपीआई को जिताने की विनंती लोगों से की। मैं भूपेंद्र कुमार गौतम सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है और जो भी सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से जो यहां बैठे हुए हैं लोग, उनसे मेरा निवेदन है कि आप कोर्ट का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। विधानसभा से जनरल सीट से चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने जहां तक देखा कि हमारी पार्टी एपीआई पार्टी के जो प्रमुख हैं श्रीमान विजय मानकर साहब, मैंने इनका सहारा लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे इनसे बड़ा कोई सहारा इस देश में नजर नहीं आता है। और बाबा साहब के दूसरे रूप में श्रीमान धीमान विजय मानकर सर हैं। आई फील प्राउड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई कैन एक्सप्लेन, जय भीम जय भारत। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज हमारे बीच में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर जी सर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथियों, मैं रवि कुमार वर्मा, मालवीय नगर विधानसभा जो कि सामान्य सीट है, उस सीट से मैं विधायक के पद पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और आप सभी साथियों से मेरे एक अपील है कि आप सभी अपना मत और समर्थन देकर अधिक से अधिक भारी मतों से विजयी बनावें। जय भीम जय भारत। जो सभी को नमन करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि 7 तारीख को कोर्ट का बटन दबाकर पूरण चंद्री वर्मा को विजय बनावे और अपनी ताकत दिखावे। जय हिंद जय भारत। साथियों, मैं जीतराम बैरवा चाकसू से एपीआई प्रत्याशी। साथियों, बहुत समय गुजर चुका है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है बिल्कुल डैमेज है। कांग्रेस और बीजेपी का जो सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल फ्रॉड सिस्टम है। अपने जो लोग हैं उनको अधिकार नहीं मिला है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसको सब लोगों ने पढ़ा लेकिन उसका आज तक सही यूज नहीं हुआ, जिसके कारण अपने जो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के वो आज उसी जगह पर पड़े हुए हैं। कभी कांग्रेस में घुस जाते हैं, कभी बीजेपी में घुस जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बैड सिस्टम फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम, वी शुड चेंज परमानेंटली। और हमें खास आज सबसे बड़ा जो साधन है जो हमें आज़ादी दिला सकता है वो श्रीमान धीमान विजय मानकर साहब हैं, जो आपको आज़ादी तक पहुँचाएंगे जो अभी तक मिली नहीं है। बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पूर्ण रूप से अभी तक पालन नहीं हुआ है, केवल गुमराह किया गया है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पब्लिक ऑफ एससी एसटी ओबीसी, प्लीज वोट टू सपोर्ट टू एपीआई, बिकॉज एपीआई इज द फर्स्ट पार्टी ऑफ द इंडिया दैट इज कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम एंड ओनली फॉर एससी एसटी ओबीसी डेवलपमेंट।
सो प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट कांग्रेस एंड बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी आपके लिए जहर है, इसको पीना छोड़ दीजिए। एपीआई आपके लिए अमृत है, इसको रोज पीजिए। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, जितने भी जो लोग कार्यकर्ता हैं, कि आप विजय मानकर साहब के यूट्यूब चैनल को देखिए। उनके ऊपर जो विचारधारा है, जो बाबा साहब ने आपके लिए प्रकाशित करी थी, जो संविधान बनाया था, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो। एक एक कानून अपने लिए बहुत बड़ी आजादी का कारण है, पर साथियों हम कानून को यूज नहीं करते, हम ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो कानून को डिस्पोज करने में लगे हुए हैं। तो हमें मानकर साहब का साथ देना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, साथ ही साथ राजनीति के साथ हमें सामाजिक सुधार भी करना जरूरी होगा, क्योंकि आज हमारे जो लोग हैं वो सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। उनका पूर्ण रूप से लेकर जाइए, गांव में लेकर जाइए, सब लोग हाथ दिखाइए। ये ताकत है एपीआई की, अब आ गई है एपीआई राजस्थान के अंदर। किसी के माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया किसी को कि एपीआई को अब हटा सके राजस्थान। आप लोग 7 तारीख को बटन दबाए और एक प्रगतिशील और प्रबुद्ध राजस्थान बनाए, प्रबुद्ध भारत बनाए, ऐसी बात कहते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय फुले, जय सेवा, जय प्रबुद्ध गोंडवाना लैंड, जय राजस्थान। हम तुम्हारे साथ हैं, मानकर सर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदा मानकर सर, जिंदाबाद मानकर सर।